गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई एम डॉक्टर प्रदीप कुमार राम, असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, एनिमल प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, पूसा, समस्तीपुर, बिहार. जेंटलमैन, आज हम यहाँ चर्चा करेंगे ट्राइकोमोनियोसिस एंड एबॉर्शन इन डेयरी एनिमल्स. हम चर्चा करेंगे इस रोग का इंट्रोडक्शन के बारे में, इस रोग का एटियोलॉजी के बारे में, इसके ट्रांसमिशन के बारे में, इससे होने वाले प्रमुख मुख्य रूप से लॉसेस के बारे में, इकोनॉमिक लॉसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका पैथोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इसके एपिडेमियोलॉजी के बारे में और क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, साथ ही साथ प्रिवेंशन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे. आइए हम वन बाय वन देखते हैं इस प्रमुख रोग के बारे में, ट्राइकोमोनियोसिस के बारे में. मित्रों, ट्राइकोमोनियोसिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोजोन डिजीज कॉज्ड डिजीज इन कैटल विच अकर इन due to it is a venereal disease of the cattle that is characterized by infertility, early abortion and pyometra. Mitro, infertility, aise to infertility ke bahut se karan hote hain, unme se ek protozoan parasite bhi jo trichomonas hai wo apna important role ada karta hai. अर्ली एबॉर्शन इस पैरासाइट के वजह से यूट्रस में इसका बहुत ही साइड इफेक्ट आता है, वहाँ इन्फ्लोमेशन कॉज करता है जिसके चलते वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को और उसमें बाधा उत्पन्न करता है, जिसके वजह से प्रेगनेंसी अपना मैच्योरिटी अटेंड नहीं कर पाती है, जिसके वजह से उसमें ये एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाता है और इसके फलस्वरूप अर्ली एबॉर्शन का चांस बन जाता है. क्योंकि इस पैरासाइट की वजह से यूट्रस के एनवायरनमेंट में बदलाव आता है, चेंजिंग आता है, वहाँ इन्फ्लामेशन होता है, इस दौरान सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांस इंक्रीज कर जाता है. ऐसी स्थिति में पायोजेनिक बैक्टीरिया जो है वहाँ काफ़ी प्रोलिफरेट करता है और पस का फॉर्मेशन करने लगता है, रिजल्टेंटली पायोमेट्रा का डेवलपमेंट हो जाता है. द डिजीज इज also known as bovine trichomoned abortion, or it is also popularly known as bovine genital trichomoniasis. आइए हम चर्चा करें इसके एटियोलॉजी के बारे में, यह रोग किस वजह से होता है. मित्रों, यह रोग एक प्रोटोजोन पैरासाइट के चलते होता है जिसका मुख्य कारण ट्राइकोमोनास पैरासाइट प्रोटोजोन पैरासाइट होता है. कैटल के केस में जो स्पेसीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे हम ट्राइकोमोनास फेटस के नाम से जानते हैं. ट्राइकोमोनास का शेप साइज के बारे में हम चर्चा करें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, एक्चुअली यह ऑर्गेनिज्म प्लियोमॉर्फिक नेचर का होता है. दैट मीन्स इसका शेप एंड साइज वेरिएबल होता है. ये इसका शेप पियर शेप फाइल फॉर्म होता है, ऑर्डिनरली 10 to 15 into 5 to 10 माइक्रोमीटर डायमीटर इसका साइज होता है. जब हम इसको आर्टिफिशियल मीडिया में कल्चर करते हैं तो उस दौरान ये प्रोटोजोन पैरासाइट हमें स्फेरिकल स्ट्रक्चर रूप में दिखाई पड़ता है. पैरासाइट ये मोटाइल ऑर्गेनिज्म होता है. That means it contains 4 flagella. 3 flagella is anteriorly located and 1 flagellum is posteriorly located. That helps in the movement. So this organism is motile organism. हम आगे चर्चा करते हैं इसके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के बारे में. ये इस पैरासाइट का किस किंगडम में है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, किस जीनस के अंदर आता है, स्पीशीज का क्या है, आइए हम इसे देखते हैं. मित्रों, ये
ट्राइकोमोनास प्रोटोजोन पैरासाइट कम्स अंडर द डोमेन यूकैरियोटा, बिलोंग्स टू फाइलम मेटामोनाडा एंड कम्स अंडर द क्लास पैराबैसिलिया एंड इट कनेक्टेड विद द ऑर्डर ट्राइकोमोनाडिडा एंड belongs to the family Trichomonadidae and it has genus Trichomonas and a species is Trichomonas foetus particularly in cattle. मित्रों अगर हम एपिडेमियोलॉजी की चर्चा करें तो ये प्रोटोजोन पैरासाइट जो है काफी वर्ल्ड वाइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन है. कैटल मुख्य रूप से इसके टारगेट होते हैं. इसके अलावा बफेलो भी होते हैं. बल्कि कंपैरिजन अगर करें तो कैटल में सबसे ज्यादा ये प्रभावित कैटल से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. पी हॉर्स डियर आर आल्सो अफेक्टेड. बट पैथोजेनिसिटी अगर हम देखते हैं तो इन एनिमल्स के अलावा अतिरिक्त इन एनिमल्स के से ज्यादा पैथोजेनिसिटी यानी रोग फैलने की संभावना कैटल ज्यादा गोहाई ज्यादा प्रभावित होते हैं. पैरासाइट यह पैरासाइट का एक स्पेसिफिक साइट होता है जहां ये पाए जाते हैं. खास करके पशुओं के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जेनिटल ऑर्गन्स जो होते हैं वहां ये पाए जाते हैं. द ऑर्गेनिज्म इन काऊ के केस में ये पैरासाइट कॉलोनाइज करता है वेजाइना यूट्रस में और बुल के केस में खास करके जो पेनिस और प्रीप्यूस का में ये इनका बेस्ट साइट होता है लोकेशन साइट होता है जहां ये प्रोलिफरेट करके अपना निवास करते हैं. जब हम किसी इन्फेक्टेड बुल से इसका क्रॉस कराते हैं फीमेल को जो अनइन्फेक्टेड फीमेल है उसको हम क्रॉस कराते हैं तो ऐसा देखा गया है कि 30-90% चांस बन जाता है इन्फेक्शन लगने का काऊ में. वेरिएशन इस पैरासाइट में वेरिएशन ऑफ द ब्रीड वाइज ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि ये रिस्पॉन्स करता है कि ससेप्टेबिलिटी इन वेरिएशन ब्रीड ऑफ ट्राइकोमोनासिस मे बी एग्जिस्ट. बुल्स ऑफ ऑल एजेस कैन बी अफेक्टेड टू दिस प्रोटोजोन इन्फेक्शन. पर्टिकुलरली ऑल एजेस आर अफेक्टेड बट यंगर्स आर लेस लाइकली अफेक्टेड. यंगर्स मेल्स आर लेस लाइकली अफेक्टेड देन ओल्डर्स. क्या इसके लॉसेस होते हैं इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं इस प्रोटोजोन पैरासाइट के इसकी बारे इसके 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 बारे में हम चर्चा करते हैं. तो यह देखा गया है कि इस प्रोटोजोन पैरासाइट के इन्फेक्शन होने के बाद पशुओं में इनफर्टिलिटी की आम समस्या आ जाती है. पशु हमारा समय से कभी कभी ऐसा होता है कि परमानेंट फर्टिलिटी का समस्या आ जाती है या फिर टेम्पोररी इनफर्टिलिटी की समस्या आ जाती है. पशुओं में गर्भधारण करने की शक्ति रेट ऑफ प्रेगनेंसी वेरी लो बहुत ही लो हो जाता है. साथ ही साथ diminish the crop calf crop abortion in pregnant cow and heifer. जो काऊ है या फिर हीफर है जो कंसीव कर रहा है कंसीव करने के बावजूद भी अर्ली स्टेज में ही एबॉर्शन का चांस बन जाता है इस पैरासिटिक इन्फेक्शन के चलते. और इस प्रकार से वीनिंग वेट काफी ड्रामेटिकली डिक्रीज कर जाता है. तो ये है इनके इकोनॉमिक लॉसेस इस प्रोटोजोन इन्फेक्शन के वजह से होने वाले. ट्रांसमिशन कैसे रोग का संचरण होता है आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं. तो नेचुरल कंडीशन में जब हम देखते हैं नेचुरल कंडीशन में इस प्रोटोजोन पैरासाइट का इन्फेक्शन खास करके क्वाइटस के जरिए होता है यानी ड्यूरिंग ब्रीडिंग के समय होता है. जब हम इन्फेक्टेड बुल से ट्राइकोमोनस इन्फेक्टेड बुल से हम किसी अनइन्फेक्टेड फीमेल काफ का जब हम क्रॉस कराते हैं या क्वाइटस कराते हैं तो उस दौरान चांस बढ़ जाता है इन्फेक्शन लगने का चांस बढ़ जाता है. इसके अलावे मुख्य रूप से सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉल्टी आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन है टीजर बुल का उपयोग है
गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन विद कंटामिनेटेड टूल्स का हम अगर व्यवहार करते हैं गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के दौरान इन्फेक्टेड टूल्स का कंटामिनेटेड टूल्स का हम अगर प्रयोग करते हैं तो उस दौरान इस पैरासाइट का इन्फेक्शन होने का चांस काफी प्रबल होता है। सबसे पहले इसका इन्फेक्शन ये वजाइना पर अटैक करता है। इस पैरासाइट जैसे बुल हम से क्रॉस कराते हैं फीमेल को तो वजाइना पर ये अफेक्टेड होता है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन करता है और इन्फ्लामेशन के वजह से वहाँ वजाइनाइटिस डेवलप करता है। बाद में फिर वहाँ से ये पैरासाइट आगे माइग्रेट करता है, यूट्रस में जाता है, वहाँ पर जाकर के फिर इन्फ्लामेशन को क्रिएट करता है। इन्फेक्टेड बुल्स काउज आर यूजली साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या लक्षण हम देखते हैं इनका इस पैरासाइटिक इन्फेक्शन का, उसको हम देखें तो जो बुल हैं और जो काऊ हैं खास करके जो प्रभावित हो गए हैं इस पशु इस बीमारी से तो वो एक खास करके यूजली लुक्स एंड एक्ट्स नॉर्मल, वे देखने में सामान्य तरह से लगते हैं और क्रियाकलाप भी कार्य भी सामान्य ढंग से ही करते रहते हैं। Cow can remain infected throughout pregnancy and discharge trichomonad from the genital tract following calving. After infection, trichomonad multiply first in the vagina, causing vaginitis. Then inflammation persist करने के 14 से 18 दिनों के बाद ये अपनी संख्या वहाँ बढ़ाता है, यूट्रस में जाकर के और डेवलप करता है, इन्फ्लामेशन वहाँ काफी बढ़ जाता है। इसके वजह से वहां पर इन्फ्लामेशन के वजह से कैटारल एंडोमेट्राइटिस डेवलप कर जाता है। अगर कंसेप्शन इसके बावजूद भी इन्फेक्शन के बावजूद भी कंसेप्शन अगर परसिस्ट करता है तो यह चांस रहता है कि 2 से 4 मंथ के अंदर अर्ली एबॉर्शन हो जाए या फिर फीटस डाई कर जाता है या अब्जर्ब कर जाता है और डिजेनरेट कर जाता है टू लिक्विड मास में ड्यू टू, और इसके वजह से जब क्योंकि वहाँ इन्फ्लामेशन हो गया, यूट्रस का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो गया है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो चुका है, इसके वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, बहुत सारे बैक्टीरिया प्रोलीफरेट करते हैं और प्रोलीफरेट करके वहाँ पर वो पस फॉर्मिंग खास करके पर्टिकुलरली पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हो जाता है जिसके वजह से पस का फॉर्मेशन हो जाता है और यह कंडीशन इस कंडीशन को हम पायोमेट्रा के नाम से जानते हैं। पायोमेट्रा फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किया जाता है खास करके ट्राइकोमोनियसिस के केस में। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो प्लासेंटा अगर प्लासेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन किसी वजह से अगर एबॉर्शन के बाद अगर एलिमिनेट नहीं हो पाता है तो वैसी स्थिति में ये कंडीशन और कंडीशन और ही डिफिकल्ट होते जाता है। ऐसी स्थिति में वहाँ प्लेसेंटाइटिस डेवलप करेगा और सेप्टिसेमिया डेवलप करेगा और कभी कल एनिमल बहुत ही विकट स्थिति से गुजरने लगता है, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो कभी कल इसमें डेथ भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में काफ़ी परेशानी होती है और इस स्थिति में कैटारल पुरुलेंट एंडोमेट्राइटिस का डेवलपमेंट होता है जो आगे चल करके ये परमानेंट स्टरिलिटी का कारण बनता है पशुओं में। अगर क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया, अगर हम समय से ट्रीटमेंट नहीं किए तो ये इन्फेक्शन आगे चल करके क्रोनिक में डेवलप कर जाता है और वहाँ पर फाइब्रोसिस डेवलप करता है, प्लासेंटा में भी रिटेंड हो जाता है, रिटेंड कर जाता है, नहीं गिर पाता है, ऐसे वजह से जा करके फिर एनिमल हमारा खास करके काऊ जो है वह रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा से सफर करने लगती है और इस ऐसी स्थिति में यह आपका रिपीट ब्रीडर की समस्या उत्पन्न हो जाती है जो काफ़ी फार्मर्स के लिए घाटे का एक तरह से ये कारण हो जाता है, पशुओं में ये काफ़ी नुकसानदायक होता है, हार्मोन को नुकसानदायक होता है। बुल के केस में खास करके जो ये ऑर्गेनिज्म काफी मल्टीप्लाई करता है प्रोप्यूस के अंतर्गत और वहां पर ये लीजंस डेवलप करता है, एग्जुडेशन होने लगता है, अर्ली एबॉर्शन खास करके 1 से 16 वीक के अंतर्गत होता है इन्फेक्शन लगने के बाद।
The abortion are more common between 8 to 16 weeks of infection and are rare after 6 months. Only rare after 6 months. But sometimes the early abortion are passed unnoticed. बिना जानकारी के ही कभी कभी अर्ली एबॉर्शन हो जाता है, पशु हमारा ग्रेजिंग करने गया या हम किसान उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं तो कभी कभी अर्ली एबॉर्शन हो जाता है, पता नहीं चलता है। पशुपालक बंधुओं को ऐसे स्थिति में उसमें वहां पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से पामेट्रा डेवलप कर जाता है और ये ऐसा लगता है कि पशु जो है ना प्रेग्नेंट है और अंत में पता जब लास्ट में ये जब ये डायग्नोसिस होता है तो पता चलता है कि ये फॉल्स प्रेग्नेंसी है। और ये इस तरह से हम देखते हैं कि इसके वजह से इरेगुलर स्ट्रेस फिर शुरू हो जाता है, जो एक साइकिल है काऊ का जो ब्रीडिंग साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। देयर आर म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना एंडोमेट्राइटिस एंड पायोमेट्रा देखने को मिलता है। इन मेल के केस में बुल में भी डिसइंक्लाइन टू सर्व द काऊ और पेनफुल यूरिनेशन आर नोटिस। इन्फेक्शन होने की वजह से चूंकि पेनिस और प्रीप्यूस में इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वहाँ पेन होना स्वाभाविक है। वहाँ फिर वो बुल जो है काऊ पर माउंट नहीं कर पाता है तो उसमें इसका सेक्सुअल बिहेवियर में चेंजिंग आने लगता है। इनिशियली प्रीप्यूटियल डिस्चार्ज में भी प्रेजेंट अलोंग विद द रेड नोड्यूल्स ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द प्रीप्यूस। देयर मे बी ऑर्काइटिस डेवलप कर जाता है और इन केस ऑफ क्रोनिक केसेस में पेन और ऑर्काइटिस सबसाइड कर जाता है। इन्फेक्टेड बुल रिमेन कैरियर इन इनडेफिनिट पीरियड अनलेस ट्रीटेड। जब अगर हम ट्रीटमेंट नहीं समय से देते हैं तो बुल जो है परमानेंटली ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम इस रोग का? अगर बीमारी हो गई है, ट्राइकोमोनियोसिस का इन्फेक्शन हो गया है तो डायग्नोसिस महत्वपूर्ण चीज होता है। हम इसका निदान कैसे करें, इसके लिए हमें हिस्ट्री जानना जरूरी होता है। हिस्ट्री के रूप में हम उसको ऑनर से पूछेंगे कि इसका अर्ली एबॉर्शन हुआ है या नहीं हुआ है, फिर कंसीव कर रही है एनिमल समय से गर्म हो रही है या नहीं हो रही है, कंसीवनेस का हम वो ख्याल रखेंगे, फेलियर कितना बार हुआ है कंसीव होने में। या फिर अगर आप फार्म में कोई नया बुल का एंट्री किया गया है वो उसका एक्चुअली उसका हिस्ट्री क्या है, वो वैक्सीनेटेड था या नहीं था या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन है या नहीं है उसमें या बिल्कुल क्लीन है या नहीं है, ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। और काविंग इंटरवल भी देखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इस तरह के केस में काविंग इंटरवल काफ़ी बढ़ जाता है। जब ट्राइकोमोनियोसिस का इन्फेक्शन होता है तो काविंग इंटरवल काफ़ी बढ़ जाता है और रिपीट ब्रीडिंग की समस्या नोटिस की जाती है जब ट्राइकोमोनियोसिस का इन्फेक्शन होता है। तो ये तमाम जो ये पैरामीटर्स हैं जो अर्ली एबॉर्शन है, फेलियर टू कंसीव है, न्यू इंटर्ड बुल है इन फार्म, ग्रेटली एक्सटेंडेड काविंग इंटरवल है, रिपीट ब्रीडिंग है, ये जितने पैनल्स हैं पैरामीटर्स हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इन डायग्नोसिस के केस में, डायग्नोसिस करने में। द ऑर्गेनिज्म कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द वेजाइनल और यूटराइन डिस्चार्जेस और इन द एबॉर्टेड फीटस। बोल के केस में ये प्रीक्रूशियल वॉशिंग से भी हम इसका कल्चर करके हम ये प्रोटोजोन पैरासाइट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसके लिए मोस्ट रिलायबल और सुटेबल डायग्नोसिस का अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक टेस्ट की बात करें तो पीसीआर टेस्ट जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट कहते हैं, इससे हम प्रोटोजोन पैरासाइट को नीट एंड क्लियर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डायग्नोसिस में ये टेस्ट पीसीआर टेस्ट काफ़ी मददगार साबित होता है। ऑर्गेनिज्म कैन बी कल्चर्ड इन स्पेसिफिक मीडियम, हम स्पेसिफिक मीडियम जैसे डायमोंड्स ट्राइकोमोंड्स मीडियम में कल्चर करें तो हम इस प्रोटोजोन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसके आधार पर हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें, हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? ट्रीटमेंट एक्चुअली चूंकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है काऊ के केस में खास करके इसकी हम ट्रीटमेंट नहीं के बराबर करते हैं चूंकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है काऊ में, लेकिन बुल में थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि अगर बुल काफ़ी वैल्यूएबल है तब उसमें हम ट्रीटमेंट करेंगे। अदरवाइज ट्रीटमेंट ऑफ बुल इज एक्सपेंसिव टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो
अनलेस अगर बुल एक्सेप्शनली वैल्यूएबल है तब भी हम इसको ये करेंगे, अगर वैल्यूएबल नहीं है तो उसको हम स्लॉटर हेतु कलिंग कर देते हैं। अब ट्रीटमेंट में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 3% हम सॉल्यूशन ले लें या ऑइंटमेंट ग्रुप में ले लें, उसी तरह से 1% अगर हम एक्रोफ्लेविन का सॉल्यूशन ले लें तो हम इसको पेनिस और प्रीप्यूस पर इसका यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको नर्व ब्लॉक इसका कर लें, पुडेंडल नर्व ब्लॉक को हम उसको उसमें पुडेंडल नर्व ब्लॉक को ब्लॉक कर दें और इसका हम इस मेडिसिन का उपयोग करें तो ये काफी फायदेमंद होता है। या फिर ट्रंकलाइजर दे करके हम रिलैक्सेशन कर देते हैं ये रिट्रैक्टर पेनिस मसल्स को और इस दवा का हम उपयोग करेंगे तो ये काफी उसमें हेल्पफुल होता है इस ट्रीटमेंट को क्योर करने में, इस ट्रीटमेंट को सफलता पाने, इस ट्रीटमेंट से सफलता पाने में ट्राइकोमोनियोसिस पर। मसाज करते हैं, जब ये दवा हम यूज करते हैं तो 15 से 20 मिनट तक 120 ml ऑइंटमेंट का यूज करके हम इसको मसाज करेंगे। एडिशनली 30 ml ऑफ 1% एक्रीफ्लोविन सॉल्यूशन का उपयोग हम इंजेक्ट करते हैं यूरेथ्रा में ताकि वहां जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है यूरेथ्रा में वो हील हो जाए। और ये ट्रीटमेंट हम बार बार फ्रीक्वेंटली रिपीट करेंगे। अल्टरनेटली 100 to 150 ml 1% सॉल्यूशन ऑफ बेरेनिन इंजेक्शन वी शुड बी गिवन टू द प्रीप्यूस एंड इज रिटेन्ड देयर आफ्टर 50 मिनट व्हाइल द पेनिस एंड प्रीप्यूस आर थॉरली मसाज्ड। इट इज रिपीटेड फॉर 5 days। डाइमेट्रिडाजोल सॉल्यूशन एट द रेट ऑफ 10 mg/kg बॉडी वेट फॉर 5 days आईवी हम दे सकते हैं और ये काफी फायदेमंद है। अगर हमें ओरली देना है तो इसका डोज थोड़ा हम चेंज कर देंगे, एट द रेट ऑफ 50 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से हम मुख के द्वारा इस दवा को देंगे तो उसमें काफी फायदेमंद होता है। अब रहा इस चर्चा करें हम इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल के बारे में, आखिर इस रोग को ट्राइकोमोनेसिस रोग को हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं, कैसे नियंत्रण कर सकते हैं इसको। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस रोग को प्रिवेंशन और कंट्रोल में कि हम कंट्रोल मेजर्स इंक्लूड ये करें, हार्ड मैनेजमेंट पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। दैट इज द इसमें हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारा इन्फेक्टेड बूल है, अगर बूल इन्फेक्टेड हो गया है किसी तरह का लक्षण उसमें आ रहा है तो सबसे पहले हम उसको आइसोलेट करें अपने हार्ट से उसको, और कोशिश करना चाहिए कि उसको हमें कट कर देना है स्लॉटर के लिए ताकि फिर चूंकि वो परमानेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाता है इसलिए हमें उसको अपने फार्म में रखना ही नहीं है, उसको हटा देना है, स्लॉटर कर देना है। अगर काऊ इन्फेक्टेड है तो उसको हम ब्रीडिंग में यूज नहीं करेंगे, एटलीस्ट 3 months तक उसको हम रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर उसके बाद हम उसका अगर बिल्कुल जांच करने के बाद सही आता है उसका यूट्रस का एनवायरनमेंट और ये जेनिटल ऑर्गन बिल्कुल ठीक ठाक स्टेज में आ जाता है तब हम उसको अलाउ करते हैं और विथ ग्रेट प्रिकॉशन के साथ। आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन को हम उसमें प्रीफर करेंगे, अवॉइड इन्फेक्शन क्लीन बूल ताकि वो क्लीन बूल जो है ना वो इन्फेक्टेड हो इसका भी ध्यान देंगे। बिफोर परचेज बूल शुड बी एग्जामिन फॉर ट्राइकोमोनास फीटस। अगर हम अपने फार्म के लिए कोई बूल को खरीद रहे हैं तो हमें खरीदने से पहले उसका हिस्ट्री जानना वहाँ जरूरी है और दूसरी बात कि उसका हम ट्राइकोमोनास फीटस का स्पेशली जाँच कर लेंगे कि ये इन्फेक्टेड है बूल या फ्री है इस प्रोटोजोन पैरासाइट से। री इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट करेंगे ताकि ये फिर से दोबारा हमारे फार्म में हर्ड में नहीं आए, इसके लिए हम जब भी अगर हमें क्रॉसिंग कराना हो एनिमल का बुल को और काफ से बुल को हम गाय से क्रॉस कराना है तो ये ध्यान देना है कि हमें अनइन्फेक्टेड क्लीन बुल को लेकर के अनइन्फेक्टेड क्लीन काउ से ही हमेशा इसको ये कराना है क्रॉसिंग कराना है ताकि इन्फेक्शन का चांस नहीं हो। अगर परचेज हम कर रहे हैं तो ये कोशिश करना, अगर बुल का हम परचेजिंग कर रहे हैं या फिर काउ हीफर का परचेजिंग कर रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम वर्जिन बुल का ही संभव हो तो उसका हम परचेजिंग करें, ये ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसको हमें देखना है। या फिर हम रेंट पर ले रहे हैं बुल को, बोरोइंग कर रहे हैं
इसको ब्रीडिंग पर्पस के ख्याल से, तो उसको हमें चेक करके ही इसका उपयोग करना है, उसको सही रूप से हम टेस्ट कर लें कि ट्राइकोमोनस इन्फेक्शन इसको बुल को है या नहीं है, इसका हम क्लियर जांच करा श्योर होने के बाद ही हम इसका व्यवहार करेंगे अपने फार्म के लिए। ये ध्यान देना जरूरी होता है। और इस तरह से हम अगर इफ यू सस्पेक्ट ए प्रॉब्लम इन योर हार्ट, टेस्ट योर करेंट बुल बैटरी। तो अगर किसी तरह का इन्फेक्शन अगर हमें सिम्टम्स आ रहा है ट्राइकोमोनियोसिस का, चाहे हमारे काउ में हो या फिर बुल में हो, तो इसको हम प्रॉपर रूप से डायग्नोसिस करेंगे, एक अच्छे चिकित्सक से इसकी हम वो जांच करवाएंगे और उसकी उनके सलाह के अनुसार, उनके निर्देशानुसार हम उसका मैनेजमेंट करेंगे। जब हम इस तरह का पूरे रूप से मैनेजमेंट करेंगे, तब हम इस ट्राइकोमोनियोसिस इन्फेक्शन से अपने पशुओं को बचाव कर सकते हैं, पशुपालकों को ये हम इसमें हेल्प कर सकते हैं उनके फार्म के फार्म को ग्रो करने में, ताकि उनका प्रॉफिट, उनका फार्म प्रॉफिटेबल हो, इस तरह से हम सहयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा वेटरनरियन वेट्स का ये दायित्व तो है कि हम इसका सही समय पर सही रूप से इसका डायग्नोसिस करें, इसका क्लिनिकल सिम्टम्स को देख करके इसका ये सब चीज़ हम डायग्नोसिस करके अपने फार्मर्स को सजेस्ट करें, ताकि उनका फार्म प्रॉफिट हो, उनको आमदनी हो और वे देश की प्रगति में अपना योगदान, बहुमूल्य योगदान दे सकें। थैंक यू।